चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस देखो, चैप्टर का मतलब है मॉलिक्यूल, वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, जैसे माता पिता से बच्चे में कैरेक्टर्स यानी कि लक्षण जाते हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा अणु जिम्मेदार है उसको हमें पढ़ना है, तो इसलिए बोलते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो पहले उतना समझ में आ गया होगा आपको, एक बार फिर बता देता हूँ क्या है। ये है करेक्टर्स का इनहेरिटेंस यानी कि ट्रांसमिशन, एक जनरेशन यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरीके से होता है और किस अणु यानी कि किस मॉलिक्यूल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसलिए चैप्टर का नाम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो पहले जो है जो साइंटिस्ट मानते थे कि भाई जो वो अणु यानी कि वो मॉलिक्यूल जो कैरेक्टर्स का यानी कि लक्षणों की वंशागति करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पिता की जो है जो लंबाई है जितनी भी है, ठीक है, और आपकी जितनी लंबाई है, तो मान लीजिए अगर मैच करती है या फिर बालों का कलर रंग है या आंखों का रंग है, तो जो भी लक्षण आप अपने माता पिता से आए हैं, तो वो करेक्टर वो लक्षण किस की वजह से आपके अंदर आए हैं, तो वो चीज़ हमें पढ़नी है। तो पहले जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उनका मानना था कि वो मॉलिक्यूल, वो अणु जो कैरेक्टर यानी कि लक्षणों की वंशागति करता है, वो प्रोटीन। तो पहले किसको मानते थे? प्रोटीन को मानते थे। ठीक है, कि प्रोटीन है, क्यों? इसका एक रीज़न था, एक कारण है कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, जो संरचना है प्रोटीन की, वो काफ़ी जटिल होती है। जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स होती है। आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में, जैसे सुना होगा कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। तो इसीलिए बड़ा मॉलिक्यूल